हेलो ऑल, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि वो आपको अनब्लॉक कब करेंगे। ठीक है, तो यही हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक रहने वाला है। चलिए देखते हैं कि वो अनब्लॉक आपको कब करेंगे। ठीक, सो प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। कार्ड्स निकालते हैं हम, वो आपको अनब्लॉक कब करेंगे। ठीक है, थ्री कार्ड्स बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। सेवन ऑफ वैंड्स, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि फैमिली इश्यूज़ हैं या फिर कुछ ऐसा है जहाँ पे बहुत एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। ठीक है, आपके पार्टनर को मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर बहुत अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप के जो है फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक, और यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने ऑरा क्लीनिंग पे भी लगे हैं, ऑरा को भी क्लीन कर रहे हैं। पूरी तरीके से देखूँ तो आपके पार्टनर जो है अपने आप को तैयार कर रहे हैं, जो भी सिचुएशंस आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उससे डील करने के लिए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप को रेडी करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इनको जो है ना आपके लिए स्टैंड लेना है। ठीक है, आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, आपके पर्सन को पता है और बहुत अच्छे तरीके से पता है, तो उससे हील होने के लिए जो है ना आपके पार्टनर यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, ये पर्सन यहाँ पे दिख रहा है। चलो, अनब्लॉक कब करेंगे आपके। द एम्परर की एनर्जी है, टू ऑफ सॉर्ड्स है, ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स है। साइन किसी ने कहा था कि मैम साइन भी बता दिया करो, तो यहाँ पे है एरीज, लियो, सैज एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, तो यही साइन है मेरे पास। तो यहाँ पे कार्ड बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं बहुत अपने ईगो में बैठे हैं, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है इनके अंदर, इनका ईगो, इनका गुस्सा, इनका एटीट्यूड, और पूरी तरीके से जो है ना ये पर्सन अपने आगे किसी और की नहीं सुनते हैं, अपनी बातों के आगे ये किसी और की नहीं सुनते होंगे, आपकी तो बिल्कुल भी नहीं सुनते होंगे ये पर्सन। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि अभी आपको अनब्लॉक करने के मामले में ये पर्सन सोच रहे हैं, ये पर्सन अभी दो सिचुएशंस में फंसे हुए हैं, ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनको जो है आपको अनब्लॉक करना है, नहीं करना है, क्या करना है। ठीक, यहाँ पे आपके प्रति लेकिन इनको अट्रैक्शन फील हो रहा है, आपके प्रति इनको चाहत फील हो रही है कि हाँ आप जो है इनकी लाइफ में होते, काश इनकी लाइफ में होते, इनके साथ अट्रैक्शन होता आपका, काश आप दोनों के बीच में बातें होती। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है क्वीन ऑफ वैंड्स के कार्ड से कि आपके पर्सन आपसे एकदम अटैच होना चाहते हैं, एकदम आपकी तरफ जो है ना इनको अट्रैक्शन फील हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन इनको डिसीजन लेने में थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, थोड़ा वक्त कहें तो 4 से 5 महीने लग सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन अभी टोटली कन्फ्यूज़ है, सो इतना टाइम तो लगने वाला है। तो ये रही आपकी रीडिंग, बाय बाय।